Sierra. Hotel. India. Echo. Lima. Delta. Shield! Take him out! इस बात में कोई भी शक नहीं है कि शील्ड की तीनों मेंबर में से सबसे ज्यादा एग्रेसिव, सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटी मैच करने का रेसलिंग स्टाइल डीन एम्ब्रोस के पास था। WWE में आने से पहले जोनाथन डेविड गोट, जो कि डीन एम्ब्रोस का रियल नेम है, वो हार्टलैंड रेसलिंग एसोसिएशन में, जो कि एक रेसलिंग कंपनी है, वहाँ वो रेसलिंग क्या करते थे। 2004 में वो पहली बार जेमी टर्नर के साथ SWA टैग टीम चैंपियन बने थे। वहाँ पे पूरी ब्रुटैलिटी के साथ मैचेस हुआ करते हैं। रूल्स और गाइडलाइन कुछ ज़्यादा वहाँ कुछ खास हुआ नहीं करता था। बिना किसी ऑब्जेक्ट के काफ़ी सीरियस सिक्वेंसेस में रेसलिंग मूव वहाँ किया करते थे। सर पे वायर से अटैक करना, चेयर का सीधा हेड पे शॉट मारना, कांटेदार बैट से बैक पे मारना, बेसिकली जो भी ब्रूटल मैच का डेफिनेशन होता है वो वहाँ उस मैच में यूज किया जाता था मैच को डेंजर बनाने के लिए। ये बात आप सुन के डर जाओगे जो खुद डीन एम्ब्रोस ने बोली है। जब तक उन्हें कोई रेसलिंग मैचेस में ब्लड नहीं देता तब तक उन्हें मज़ा नहीं आता मैच में रसल करने में। अगर हम डीन एम्ब्रोस की WWE के साथ पूरी करियर देखें तो उन्होंने पूरा 10 साल तक WWE के साथ काम किया, बट फिर भी ऐसा क्या हो गया कि उन्हें WWE कंपनी छोड़नी पड़ गई। एक कुछ और ऐसी एक चीज़ थी जो उन्हें WWE कंपनी में खटकती थी और वो नाम है विंस मैकमैन। डीन एम्ब्रोस खुद ये बात बताते हैं, विंस मैकमैन और उनका रिलेशन कोक और मेंटोस के जैसा है। अगर ये दोनों साथ में हैं तो फटना तो है ही। एक्चुअली में विंस मैकमैन डीन एम्ब्रोस को टेलीविजन पे प्रोमो कट करने के लिए रोमन रेंस के बारे में कुछ ऐसी लाइनें देते हैं जैसे एम्ब्रोस बोलना तो नहीं चाहते थे, बट फिर भी उन्होंने ऐसा बोला। उस पॉइंट पे जब रोमन रेंस अपने कैंसर से सफर कर रहे थे, जरा सोचो, आपका एक दोस्त है, अगर आप दोस्त के बारे में आपको ऐसी लाइनें बोलने को मिले तो आपको खुद को कैसा लगेगा, जरा आप सोचो। इन एम्ब्रोस को WWE की एक ही बात खटकती थी कि उन्हें जस्ट लाइक ए एक्टर के जैसे बुलाया जाता था और उनके हाथ में स्क्रिप्ट थमा दी जाती थी कि उन्हें प्रोमो में क्या बोलना है, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बेसिकली उस पॉइंट पे डीन एम्ब्रोस से WWE ने सारी फ्रीडम छीन ली थी। फिर डीन एम्ब्रोस वापस अपने घर जाते हैं और वो एयरपोर्ट में सोचते सोचते फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अब WWE के साथ काम नहीं करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको WWE कंपनी छोड़नी ही है। डीन एम्ब्रोस का अपना डिसीजन को लेकर एटीट्यूड कुछ ऐसा था कि जब WWE ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को खोल कर तक नहीं देखा। डीन एम्ब्रोस बिल्कुल डिसाइड कर लिए थे कि उनको कंपनी छोड़ के जाना ही है। एम्ब्रोस प्रोफेशनल रेसलिंग से पहले बार टेंडर का काम किया करते थे, शायद इसी वजह से डीन एम्ब्रोस टेलीविजन पे इतना नेचुरल दिखाई देते थे। 2019 में डीन एम्ब्रोस जब WWE कंपनी छोड़ने का डिसीजन लिया तब उनके दिमाग में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो AEW कंपनी जाने वाले हैं। वो ऐसी रेसलिंग कंपनी ढूंढ रहे थे जहाँ उन्हें खुद की क्रिएटिव फ्रीडम मिले। डीन एम्ब्रोस ने जब AEW कंपनी साइन किया तो उनसे इतनी ही सैलरी की डिमांड करी जितना वो WWE से लेते थे और उन्होंने इजी तरीके से AEW कंपनी साइन कर लिया और उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम में मिला जैसा वो चाहते थे और जो उन्हें WWE कंपनी में नहीं मिल रहा था। AEW कंपनी में डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के नाम से जाने जाते हैं, बट हम उन्हें WWE में डीन एम्ब्रोस के नाम से जानते हैं। WWE में डीन एम्ब्रोस शील्ड के साथ हाईलाइट हुए थे जब वो WWE कंपनी में डेब्यू किए थे, जहाँ पर रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस उनके क्लोज फ्रेंड थे। बट आज सीन कुछ अलग है। डीन एम्ब्रोस AEW कंपनी के लिए काम करते हैं और रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस WWE कंपनी के लिए काम करते हैं। सेथ रॉलिंस खुद डीन एम्ब्रोस के बारे में एक बात बताते हैं कि डीन एम्ब्रोस नॉट ए टेस्ट गाय, वो ऐसा बंदा नहीं है जिसे तुम फोन में बात कर लो। ऐसे में मैं ये ट्राई करता हूँ, जब डीन और मैं सेम सिटी में हो तो हम एक दूसरे से मिल के बात कर लेते हैं। डीन एम्ब्रोस से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या आप ने शील्ड ब्रदर्स को मिस करते हैं। वेल, यहाँ पर डीन एम्ब्रोस ने सीधा सा जवाब दिया है कि उतना वो नहीं करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या डीन एम्ब्रोस फ्यूचर में जब अपने जब वो करियर के रिटायरमेंट में होंगे क्या वो अपने WWE कंपनी साइन करेंगे? वेल यस, जब डीन एम्ब्रोस अपने करियर के एंड में होंगे, जब उनको समझ आ जाएगी कि हाँ उनका लास्ट करियर चल रहा है, जब वो 40 साल के अबव हो जाएंगे, तो ये 100% श्योर है कि डीन एम्ब्रोस AEW कंपनी को क्विट करके WWE कंपनी साइन करेंगे और वो वापस से अपना रिटायरमेंट मैच करने के लिए WWE कंपनी आएंगे जो उनका होम है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो क्योंकि मैंने बिल्कुल मेहनत करके बनाई है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।